ये पीएचडी 20-20 15-15 10-10 हजार से 5-5 मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हजार से 5-5 हजार 9-9 हजार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं, हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई, मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। आप माइक लेके उधर जाओ, माइक लेके उधर जाओ, उसी के बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ST ST, जैसे मैंने कहा कि ST में जो भाई जी हैं और हमारी गद्दी भाई जी, चाहे उनकी तादाद कम हो लेकिन है, गुजर और बकरवाल तो नहीं है लेकिन हमारे हिंदू ST भी हैं, उनकी तादाद चुनाव वैली में है, कठुआ में, उनके भी अहदेदार बनाएंगे, उनकी भी मीटिंग करनी आपको। एक बात इन्होंने जिक्र किया यहाँ, ये ज़मीन का जो मसला यार क्या कर रहा है, ओए ओए तू हिल नहीं यार, तू हिल रहा है, तेरे हिलने की वजह से हमारी मूवमेंट हो रही है। हमारी स्टेट में तकरीबन 70% आबादी है, या मुस्लिम आबादी होगी ज़्यादातर, या हिंदू आबादी है। 37 के बाद बहुत सारे लोग गए आए, तो जहाँ भी सरकारी ज़मीन मैदानी इलाके उसमें वो बैठे, आबादी भी 5 गुना आज़ादी के बाद में, तो ऐसे आसमान में तो नहीं बना सकते हैं, और कोई शहर नहीं है कि जहाँ नहीं बने। मुंबई में हर 2 साल के बाद कई लाख सरकारी ज़मीन पे उसको रेगुलराइज, 80 के बाद कई लाख एकड़ ज़मीन पे हमारी सरकार, दूसरी सरकार, किसी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो सरकारी ज़मीन पर बढ़ते हैं दिल्ली में, जब 75-76 में यूथ में मैं दिल्ली गया था तो 3-4 काउंसियों जो थी उसी शहर से, आज 70% दिल्ली है वो देहाती इलाके में, वो सब सरकारी और गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज, हर साल से लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं या गुजर हैं नाम गुजर हैं वो सरकारी स्वभाव की, ये तो जनरल लोग है। दूसरा फॉरेस्ट एक्ट, सबका वायलेशन यहाँ की सरकार आ गई। जब मैं कांग्रेस था, कैबिनेट में था, हम ही लोगों ने कांग्रेस की सरकार में फॉरेस्ट का एक्ट लाया था पूरे हिंदुस्तान में, और वो था ST के हिंदू पूरे देश में 95% हमारे हिंदू भाई ST है, लेकिन यहाँ कश्मीर में हमारे लेकिन ये हिंदू ST और मुसलमान ST किनका लिखे देने बनाते हैं, सबके लिए। तो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में,
ये कानून बनाया था, गलती हमारे यहाँ हो गई जब पार्लियामेंट में हम सब कांग्रेस की सरकार थी जिसमें मंत्रिमंडल वहाँ जब पार्लियामेंट का कानून बनाते तो एक मुश्त वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, यहाँ लागू नहीं किया 370 का क्योंकि यहाँ की असेंबली में उसको दोबारा से पास किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून जो बनाया हमने वो ये बनाया जो जंगल में रहते हैं एसटी हिंदू हो या मुसलमान, बकरी वाले हों, गद्दी हों, गुज्जर हों, ये क्या कहते हैं ये बकरवाल, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया ये अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और उस खेती का इस्तेमाल भी सकते हैं, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून। आप 5 अगस्त 2019 तक कोई अगर उनको निकालता तो बजा था, क्योंकि तो हमारे देश का कानून यहाँ हमने उसको सबने गलती की, मैंने भी गलती की उसे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये सरकार आएगी ये सबको निकालेगी, हमें सरकार ठीक भाई 100 साल से 150 साल से तो कोई निकालेगा नहीं, कानून पास करो या नहीं आओ, लेकिन ये कानून 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ऑटोमेटिकली इस पर लागू होता, अब तो 370 नहीं है, तो जो हमने वहाँ कानून पास किया जैसे हजारों कानून कहते हैं कि अब यूटी है तो सब लागू होंगे, तो वो क्यों नहीं लागू होगा, आप एक को नहीं कह सकते ये नहीं लागू होगा, तो 5 के बाद वो लागू होगा कि जो भारत में है एसटी हिंदू मुसलमान गद्दी वो जमीन भी जोत सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, समझे, तो ये हटाने की जो वहीं हुई थी वो गैर कानूनी, इसीलिए हमने मेरी पार्टी ने 85 एजिटेशन की स्टेज, और जब नहीं माने फिर गवर्नर साहब को मैंने होम मिनिस्टर को पूछा कि ये तो काम गैर कानूनी है पटा रहे, तो इसलिए उसमें हम आपके साथ हैं, वो हमारा हिंदू भाई हो जम्मू का या पहाड़ में रहने वाला है, अगर हटाएंगे तो 70% आबादी को कोई आसमान नहीं मिलता, जो कानून बम्बई में लगा है, जो कानून दिल्ली में है, हैदराबाद में।